दोस्तों नमस्कार, श्री वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कीटोसिस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कीटोसिस, कीटोसिस एक ऐसा रोग है, समझ लीजिए कि आपके पशु को दीमक की तरह धीरे 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 खत्म कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी में लगता है और वो धीरे धीरे लकड़ी को खा जाता है, उसी तरह से कीटोसिस है। कीटोसिस शुरुआती लक्षणों में पता नहीं चलता है और धीरे धीरे आपके पशु को समाप्त करता चला जाता है। तो उसी कीटोसिस क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, इसका क्या सही निदान है, इसका क्या सही इलाज है, आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कीटोसिस के कारणों पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। कीटोसिस के क्या कारण है, कीटोसिस होता कैसे है। कीटोसिस देखिए एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कीटोसिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ये जब हाई यील्डिंग एनिमल्स, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, ज़्यादातर संकर नस्ल की गायों में आप देखेंगे या ज़्यादा दूध देने वाले भैंस भी हैं, तो उसमें कीटोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये कीटोसिस होता क्यों है, देखिए जब पशु ब्याता है यानी कि जब बच्चा देता है तो सबसे ज़्यादा उस समय एनर्जी का लॉस होता है उसका। और हाई यील्डिंग एनिमल्स में, ज़्यादा दूध देने वाले में आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल बहुत तेज़ी से घटता है, यानी आपका पशु सीधे सीधे निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। जब पशु निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, उसका वेट लॉस होने लगता है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए और भी चीज़ों के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी यदि आप बाहर से उसको नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो उसके अंदर फैट है, जो एनर्जी का स्रोत है, उसको वो धीरे धीरे उससे कंज्यूम करने लगता है, एनर्जी को अपने बॉडी के फैट से कंज्यूम करने लगता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसके रक्त में से ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, यानी कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो पशु आपका हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो रक्त में कीटोन बॉडीज बनने लगती है, तो उसी को कीटोसिस बोलते हैं। तो जब एक कीटोसिस हो जाता है तो उसको अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, सही निदान न किया जाए, तो धीरे धीरे ये आपके पशु को ख़त्म कर सकता है। तो ये हुआ कि कारण की किस वजह से कीटोसिस होता है। अब इसके लक्षणों पर बात करते हैं कि कीटोसिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कीटोसिस में आप देखेंगे कि आपके पशु का धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है, दुर्बल होने लगता है, उसकी जो पसलियाँ सब दिखने लगती हैं, यानी लगता है कि दिन प्रतिदिन आपका पशु कमज़ोर होता चला जा रहा है और उसमें भूख की कमी हो जाती है। चारा धीरे 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 चारा खाना कम कर देता है, जब चारा खाना कम कर देता है दूध उत्पादन घट जाता है। तो ये शुरुआती लक्षण है, यानी कि शुरू में आपको दिखेगा कि इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो उसके जब कीटोन बॉडीज जो बनती है ब्लड में, फिर वो आपको यूरिन के रास्ते से बाहर आती है, फिर आप देखेंगे कि उसके स्मेल, जो आप उसके मुंह के पास जाएंगे तो उसमें जो मीठे सिरके की तरह गंध आएगी, तो ये लक्षण कीटोसिस के हैं। यूरिन में भी आप देखेंगे तो उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी सिरके जैसी, तो ये भी लक्षण कीटोसिस के ही हैं। अगर इस तरह के लक्षण, इसमें टेम्परेचर लगभग आपको सामान्य ही मिलता है, लेकिन धीरे धीरे पशु कमज़ोर होता चला जाता है। तो इस तरह के लक्षण कि दूध में कमी हो जाए और आपका पशु चारा खाना कम कर दे और उसके मुंह से सिरके जैसी गंध आने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपके पशु को कीटोसिस के लक्षण आ रहे हैं। अब कीटोसिस से बचा कैसे जाए, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि जब ग्लूकोज का लेवल रक्त में कम हो जाता है तब कीटोसिस होता है। और जब पशु को ऐसी अवस्था में, जब ये क्लियर हो जाए कि आपके पशु को कीटोसिस है, यानी वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया है, और जब निगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु जाता है तो उस क्या करता है, अभी हमने आपसे बताया कि उसमें वो जो एनर्जी के स्रोत हैं, जो एनर्जी उसके बॉडी के अंदर है फैट के रूप में, वो उसका उपयोग करने लगता है, जिससे धीरे धीरे वो कमज़ोर होता चला जाता है, उसके रक्त में कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, एसीटोन वगैरह इस तरह टाइप की। तो आपको क्या करना है, ये तो हो गए लक्षण, अब इसका सही निदान हो गया कि क्लियर हो गया कि इसको कीटोसिस है। जैसा कि आपको पीछे देख भी रहे होगी भैंस, देखिए ये धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है,
तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसको आखिर क्या हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत चारा भी खाती है, दूध उत्पादन घटता चला जा रहा है, तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही निदान डायग्नोसिस हो गई कि इसको कीटोसिस है। अगर कीटोसिस का सही समय पर इलाज न किया जाए और वो काफ़ी क्रॉनिक केस हो जाएगा, जब काफ़ी पुराना हो जाएगा कीटोसिस, तो उसमें नर्वाइन डिसऑर्डर के भी लक्षण आने लगेंगे, यानी पशु कांपने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा, उसको जैसे दौड़ा टाइप का लक्षण भी आने लगता है, वो गिरेगा और जैसे लगता है कि देखने में कभी कभी लगता है कि उसको रैबीज के लक्षण है, लेकिन ये कीटोसिस में भी ये टाइप के लक्षण आते हैं। तो इसका जो इलाज है कीटोसिस का, तो इसमें आपको ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। तो उसमें आप इसमें क्या कर सकते हैं, डेक्सट्रो 25% आप इसको 2 से 2.5 लीटर तक चढ़ा सकते हैं, रिंटोज भी चढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही आपको फास्फोरस के इंजेक्शन इसमें देने हैं। आप निगेटिव और इसके फॉलोअप में निगेटिव एनर्जी बैलेंस को फुलफिल करने के लिए आपको एनाबोलाइड भी दे सकते हैं या डेक्सट्रोरल आप दे सकते हैं। डेक्सट्रोरल फर्स्ट दिन पे आपको 200 ml देना है, उसके बाद फॉलोअप में 100 ml पर डे देना है। इससे भी उसके निगेटिव एनर्जी एलर्जी जो बनी हुई है उसके शरीर में, वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगता है, तो आप एनर्जी उसकी मेंटेन होने लगती है। तो यदि शुरुआत में ही आप इन सब चीज़ों का ध्यान दे देंगे तो आपका पशु मतलब नुकसान होने से बच जाएगा आपके पशु का। तो उसमें ग्लूकोज आपको चढ़ाना है आईवी रूट से, या तो इसमें डेक्सट्रो 25% चढ़ा दीजिए 2 से 2.5 लीटर, या फिर रिंटोज चढ़ा दीजिए, उसके साथ ही फास्फोरस भी देना है, और फॉलोअप में आपको डेक्सट्रोज या इनाबोलाइड भी आप दे सकते हैं। इसके बाद इसमें जो आपको देसी उपाय में आप इसको गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ आप इसको थोड़ा थोड़ा पर डे खिलाएंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और देखेंगे आप कि पशु आपका जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। तो ये शुरुआती लक्षणों पर ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपका पशु वीक हो जाएगा, एकदम जमीन पर गिर जाएगा, उस समय उसको उठाना या ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस लक्षणों को पहचान करके सही डायग्नोसिस से सही ट्रीटमेंट यदि आप देते हैं तो आपका पशु जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रही होगी, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।